Hello kids, welcome to the new video, and in this video we are going to cover our exercise practice exercise 2b and the portion from we are left over. Okay, so the first question that we are going to start today is question number 2. As we have completed question number 1 in last class, so yahan par hum log dekhte hain question number 2 humko kya kehne ki try kar raha hai. So first of all it is said that find 2 by 9 of. अब ये ऑफ क्या होता है? ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? यहां पर ऑफ मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन. सो 2 बाई 9 मल्टीप्लाई 2 बाई 9 पार्ट ऑफ, मतलब किसी का पार्ट जो 2 बाई 9 है उसका पार्ट जो कोई दूसरा नंबर होगा वो कितना होगा, ठीक है? तो दैट पार्ट विल बी मल्टीप्लाई. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 27. सो 2 बाई 9 ऑफ 27, तो 2 बाई 9 ऑफ 27, तो 27 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. अब यहाँ पर हम देखते हैं, सो 9 वन्स आर एंड ओवर हियर इफ वी कैन सी दिस विल बी डिडक्टेड बाय 3, सो 2 3 इज 6. सो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6. ओके, सेकेंड 2 बाई 9 ऑफ 30, सो 2 बाई 9 ऑफ 30, तो 2 बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 1, क्योंकि 30 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर हम लोग लेंगे 1. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 60 बाई 9, 60 बाई 9 बट ऑब्वियस होता है 6 2 अपॉन 3. एक्चुअली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी समथिंग लाइक 3 3 3 एंड 3 20 जा, सो 20 अपॉन 3 करेंगे तो दैट विल बी 3 एंड ओवर हियर वी कैन राइट 20, सो 3 6 जा 18 सो दिस विल बी 2. सो मेरा बट ऑब्वियस आंसर आएगा 6 2 अपॉन 3. ओके, बहुत सिंपल ये चीज कर लिया. अगर ये चीज नहीं होती है तो 3 3 3 जा और 3 10 जा, ठीक है? तो 20 बाई 3 ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा. अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे भी आ ही जाएगा, ठीक है? सो ये दो तरीके हैं. थर्ड वन इज 3 बाई 7, सो 2 अपॉन 9 ऑफ 3 बाई 7, सो 2 अपॉन 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7. सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 3 1 जा 3 3 जा. ओके, सो 2 अपॉन 21 इज द आंसर. ओके, सो ये बहुत सिंपल तरीके से सारे सम्स हो रहे हैं. सो यू कैन गो थ्रू द कैलकुलेशन पार्ट वंस मोर. फाइन, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह. तो हमारा देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बताता है. सो 5 बाई 9, सो 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 9, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 अपॉन 81. कि यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रहा है, सो इसके लिए हम इसको डायरेक्टली 10 अपॉन 81 ईजिली लिख सकते हैं. नाउ 5 होल 1 अपॉन 3. अब 5 होल 1 अपॉन 3 मतलब 5 3 15, 15 प्लस 1 16 अपॉन 3, ठीक है? 5 होल अपॉन 3 को मैंने लिख दिया 16 अपॉन 3. और अब मैं सब में 2 बाई 9 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया है, हमको 2 बाई 9 ऑफ फाइंड करना है सारे नंबर्स का, ठीक है? सो 2 बाई 9 तो मैंडेटरी लेना ही लेना है. ओके, सो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ कट होने की कोई वो लग नहीं रही है, सो यहाँ पर आएगा 32 अपॉन 27. अब वी ऑल नो दैट 32 एंड 27, सो यहाँ पर ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स के टर्म में लिखते हैं. सो मिक्स फ्रैक्शन हो गया हमारा 1 होल 5 अपॉन 27. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 7 होल 2 अपॉन 9. तो 9 7 जा 63, 65 अपॉन 9 हो जाएगा. सो 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 65 अपॉन 9, सो 2 इंटू 65 विल बी 130 एंड अपॉन 81, तो 130 अपॉन 81 विल बी 149 अपॉन 81. सो ये सारे जो कैलकुलेशन है यू हैव टू परफॉर्म, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी हर सम्स में कैलकुलेशन परफॉर्म करते आ ही रहे हैं. ओके, सो दिस आर द कैलकुलेशन विच यू कैन परफॉर्म ईजिली. फाइन, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर. तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम हमको क्या बता रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड 12 3 अपॉन 7. अब 12 3 अपॉन 7 मतलब 7 12 जा 84, 84 प्लस 3 87. ओके, सो 87 अपॉन 7, 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 87 अपॉन 7.
सो यहाँ पर कुछ कटिंग परफॉर्म नहीं होगा. सो 2 × 87 विल बी 174, 9 × 7 विल बी 63. सो ये आएगा हमारा 248/63. फाइन. लास्ट 7/9. सो 2/9 मल्टीप्लाई बाई 7/9. 2 × 7 विल बी 14, 9 × 9 विल बी 81. सो 14/81 इज द आंसर. ओके. तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग हमने देखा तो हमने हमारा एक जो पार्ट है क्वेश्चन का वो खत्म कर लिया. ठीक है. नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 2. सो लेट अस सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्राइंग टू टेल अस. क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी. सो फर्स्ट ये वर्ड प्रॉब्लम है तो हम इसको वर्ड प्रॉब्लम तरीके से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर रेशमा ने 1/4 पार्ट ऑफ वर्क एक घंटे में खत्म किया. ओके. रेशमा फिनिशेज 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 आवर. हाउ मच पार्ट ऑफ वर्क विल बी फिनिश्ड इन 3 whole 2/3 hours. सो यहाँ पर रेशमा ने 1/4 पार्ट खत्म किया 1 आवर के अंदर. ओके. एंड उसको जो रिमेनिंग उसका जो दूसरा उसने उसको हमको फाइंड करना हमको ये चीज फाइंड करना है कि उसने कितना वर्क खत्म किया होगा 3 whole 2/3 hours में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क डन बाय रेशमा इन 1 आवर इज 1/4. वर्क डन इन 3 whole 2/3 hours विल बी डैश. सो दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 whole 2/3. सो यहाँ पर 3 3 9 एंड 2 11. 11/3 आ जाएगा तो 1/4 × 11/3. सो 1 × 11 विल बी 11. 4 × 3 विल बी 12. सो 11/12. सो दस रेशमा फिनिशेज 11/12 पार्ट ऑफ वर्क इन 3 whole 2/3 hours. 1 आवर में उसने 1/4 पार्ट कंप्लीट किया तो 3 whole 2/3 में उसने कितना कंप्लीट किया. तो दैट इज नथिंग बट 11 अपॉन 12 आवर्स उसने 3 whole 2/3 hours में कंप्लीट किया. सो ये बहुत सिंपल टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन वाले सम्स है जो कि हम लोग परफॉर्म करते आ रहे हैं. बट येस माइनर चेंज दैट इज वी आर डूइंग इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. फाइन. अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. ओके. सो हमको मैच करना है. तो सबसे पहले ये जो हमारा पिक्चर है दैट इज दिस इज द सेम पिक्चर दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. अब यहाँ पर हमको पहला क्वेश्चन दिया है 4 × 3/5. तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते 3/5 वाला फ्रैक्शन कौन सा है. सो 1 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर होता है दैट विल बी शेडेड पार्ट एंड द डिनोमिनेटर विल बी द टोटल नंबर ऑफ पार्ट. सो यहाँ पर हमको दिया है 3/5. तो 1 2 3 4. ये तो 4 एक्सीड हो गया, नहीं चाहिए. यहाँ पर 1 है, 2 3. सो इफ वी सी ये भी हम लोग ने देख लिया. यहाँ पर 3 parts में से 2 parts को कवर, हमको क्या चाहिए, 3 parts शेडेड होने चाहिए आउट ऑफ 5. सो अगर मैं देखता हूँ तो ये पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6. नहीं, 1 2 3 4 5 है. यहाँ पर 5 parts हो रहे बट कितने शेडेड है, 4 shaded है. तो ये भी नहीं चाहिए. अब ये हाँ, तो 1 2 3 4 5. सो द लास्ट ऑप्शन वहां पर हम देखते हैं कितने, yes, यहाँ पर देखते हैं तो 3/5 parts शेडेड है. और कितनी बार वो चीज चाहिए हमको, we want it 4 times. so we'll check whether it is 4 times or not. so 1 star 2 star 3 star and 4 star. yes, ye 4 times hai. so the answer for the a is nothing but the answer for a is 6. okay, so answer for a is 6. a ka answer kya hai, 6 hai. okay, ab bhi 5/6 मतलब कितने पार्ट शेडेड होने चाहिए, 5 parts शेडेड होने चाहिए 6 में से. सो 1 2 3 4 5 parts तो शेडेड है और टोटल 6 भी. और कितने चाहिए वैसे हमको, यस yes, 2 चाहिए. सो यहां पर हम लोग देखते हैं तो हाँ ये 2 है और 5 5 parts दोनों में शेडेड है. सो द आंसर फॉर द बी 1 इज नथिंग बट ए. ओके. सिमिलरली 4 × 4/5. अब अभी हमको कितने पार्ट शेडेड चाहिए, 4 parts शेडेड चाहिए. कितने में से, 5 में से. सो यहाँ पर 3 में से 2 है सो नहीं होगा. यहाँ पर 6 में से 3 है तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पर यस, यहाँ पर कितने हैं, 5 में से 4 शेडेड है. ओके. और कितने चाहिए हमको, 4 चाहिए. तो यहाँ पर देखते हैं 1 1 2 3 एंड 4. यस, तो यहाँ पर 4 parts शेडेड है. सो सी का आंसर आएगा 5. ओके. सी का आंसर क्या आएगा, 5. सिमिलरली 2/3.
ये रहा 2/3। ओके सो यस दिस विल बी अवर आंसर फॉर D1। ओके सिमिलरली ई देखते हैं तो तीन पार्ट होने चाहिए, छह में से शेडेड। हाँ तो ये वाला यहां पर आ गया, सो द आंसर फॉर द फिफ्थ वन इज 4th एंड लास्ट वन दैट इज 3/1/6। तो 1/6 मतलब वन शेडेड पार्ट तो ये रहा, तो दैट इज द रिमेनिंग। सो द आंसर फॉर द लास्ट वन इज F। ओके F का आंसर है 2। F का आंसर क्या आएगा 2। सो यू कैन मेक श्योर यू इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आई विल अगेन सेंड यू द सोल्यूशन। ओके सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके सो नाउ वील गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बताता है। नाउ इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, फाइन। सो यहां पर दिया है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। मतलब जो मून पे वेट होता है वो 1/6 होता है अर्थ पे जितना होता है उसका, डिवाइडेड बाई 6 होता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट वेट 2/3 ऑन अर्थ, हाउ मच डिड इट वेट ऑन मून। सो वी ऑल नो दैट वेट ऑन मून इज 1/6। ओके वेट ऑन मून कितना है 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑफ अर्थ। ओके नाउ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना है 2/3 kg। सो बट ऑब्वियसली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा, सो दैट विल बी 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12/3 दैट इज 38/3। यहां पर अगर देखते तो कटिंग हो सकता है दैट इज 2 3 2 19। सो दिस विल बी नथिंग बट 19/9। सो ये हो गया हमारा 38/18 दैट इज नथिंग बट 19/9, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2/1/9। सो दस द ऑब्जेक्ट वेट वे द ऑब्जेक्ट वेट इज 2/1/9 kg ऑन मून। अगर उसका वेट 12/2/3 kg यहां पर होता है तो उसका जो एग्जैक्ट वेट होगा दैट विल बी 2 kg 2/1/9 kg ऑन मून। ओके अगर 12/2/3 kg अर्थ पे होगा, सो 2/1/9 kg उसका वेट मून पर होगा। तो ये बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इट टेक्स 2/1/3 meter ऑफ क्लॉथ टू मेक अ शर्ट, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 15 सच शर्ट्स। अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो यहां पर लगते हैं 2/1/3 meter ऑफ क्लॉथ एक शर्ट बनाने के लिए। सो 15 ऐसी शर्ट बनानी है तो कितना लगेगा। सो वन शर्ट टेक्स 2/1/3 meter क्लॉथ, 15 शर्ट्स टेक इक्वल टू डैश, सो दैट विल बी 2/1/3 मल्टीप्लाई बाई 15। ओके दैट इज 7/3 मल्टीप्लाई बाई 15/1। ओके सो दैट विल बी नथिंग बट 3 1 3 3 5 15। सो 7 × 5 दैट विल बी नथिंग बट 35 meter। ओके सो दस 35 meter क्लॉथ इज नीडेड टू मेक 15 सच शर्ट्स। ओके समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था जो आज हमने सॉल्व किया। रिगार्डिंग ये कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, सो यू कैन यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।